नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस हमारे डाउजिंग के नेक्स्ट लेक्चर में। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आज का फॉर्मेट थोड़ा अलग रखते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न हो, अभी तक जितना मैंने कराया है उसके अंदर कुछ दुविधा हो तो पूछिए, फिर हम रिलेशनशिप डाउजिंग की ओर अग्रसर होंगे। ओके, तो अभी कोई अगर प्रश्न नहीं है, हाँ जी, तो ये अनम्यूट करना पड़ेगा आपको अरुण कुमार जी। अच्छा, हाँ जी, बोलिए। मैं अगर डाउजिंग को शेयर मार्केट में यूज करूं तो कोई हर्ज है? आप किसी भी मार्केट में डाउजिंग को यूज करें, हर्ज कोई नहीं है। बात यह है कि डाउजिंग कर क्या सकती है और क्या नहीं कर सकती है, इसका पूर्व आकलन होना जरूरी है। नियति जो आपको दर्शाना नहीं चाहती, पहली बात ये कि आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। दूसरी बात ये, डाउजर अपनी एनर्जी सिस्टम के सब्जेक्ट टू डाउजिंग कर सकता है। अगर आप वो चीज करना चाहेंगे जिसके लिए आपको परमिशन नहीं है, तो आप ठीक नहीं कर पाएंगे। अगर आपका प्रॉफिटेबल पीरियड नहीं चल रहा है और आप सोचें कि मैं इसे पूर्व आंकलन लगा लूं कि कौन सा स्टॉक बढ़ेगा, तो आप नहीं कर पाइएगा। ये समस्या आएगी। दो चार बिंदु इसमें समझने वाले हैं। एक सेकंड में जरा एडमिट कर लूं कुछ मेंबर्स को, मैं आपको बताता हूं। तो पहली बात तो ये जो मैंने आपको कही कि जो चीज नियति नहीं चाहती, वो हम चाहे डाउजिंग के माध्यम से, चाहे शोधकर्ता लोग साइंटिफिक रिसर्च के माध्यम से नहीं लगा पाते, इसका कुछ समझ इस तरह से भी आती है कि हर चीज के आविष्कार का एक समय होता है। जैसे मिसाल के तौर पर, जब आइंस्टाइन साहब ने रिलेटिविटी की थ्योरी दी, उस टाइम के आसपास ही टेस्ला साहब ने भी वही थ्योरी दी। ऐसा बड़ी बार होता है कि पेटेंट करने के लिए जो नई डिस्कवरी और इन्वेंशंस आती हैं, वो डिस्कवरी और वो इन्वेंशंस जब पेटेंट ऑफिस पहुंचती हैं, तो केवल एक नहीं होती, चार पांच लोग एक ही तरह का पेटेंट मांग रहे होते हैं। जिसका मतलब मुझे ये समझ में आता है कि उस आइडिया का अब समय आ गया है पृथ्वी पर फलीभूत होने का। इसलिए वो आइडिया यहाँ पे बैठे हुए महानुभाव, यहाँ पे बैठे हुए बुद्धिजीवी जो उस तरह की फ्रीक्वेंसी रखते हैं, उनके दिमागों में आ जाता है, लेकिन उससे पहले नहीं आ पाता है। अपने अनुभव के अंदर जब मैंने देखा कि कई लोग मेरे पास आए जिनका मैं कुछ कर सकता था, मैं देख रहा था ये व्यक्ति प्रॉब्लम में आएगा, और वो व्यक्ति प्रॉब्लम में आया, और मुझे पता है कि ये व्यक्ति अगर अगली बार मेरे पास आएगा तो मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, लेकिन 15 दिन लगेंगे, इतना एफर्ट। और ये बंदा यहाँ पे रुके 15 दिन, उसका अपना खर्चा होगा रुकने का, लेकिन अगर रुके तो मेरे अंदर से मुझे पता है कि मैं ठीक कर सकता हूँ। उसको भी मैंने आश्वासन दिया कि मुझे लगता है। देखिए, आप ये कभी नहीं कहते कि मैं ठीक कर दूंगा, इतने एब्सर्ड स्टेटमेंट नहीं आप दे सकते। आप ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं इस चीज को ठीक कर सकता हूँ। दिस इज व्हाट मैक्सिमम एनी डॉक्टर, इवन अ साइंटिस्ट कैन से। आप देखिए, हार्ट का ऑपरेशन कराते हैं तो भी डॉक्टर पहले आपको बार बुला के समझा देता है कि 6 to 8% फेटेलिटी रेट है। अगर आप अग्री करते हैं तो हम ऑपरेशन करेंगे। जिसका मतलब यही हुआ कि 100 में से 8 लोग का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता। प्रणाली वही सारी लगाई जाती है जो एक ऑपरेशन में लगाई जाती है, वही दूसरी ऑपरेशन में भी। और मैंने कहा कि मैं ठीक कर दूंगा, इसके बावजूद अगर वो लोग नहीं आए, तब मैं समझा कि नियति नहीं चाहती थी कि अभी वो ठीक होते। इसलिए चाहते हुए भी मेरे द्वार पे पहुंचकर भी वो चीज नहीं हो पाई।
और कई बार आदमी भटकता रहता है, ठीक सोर्स पे नहीं पहुंच पाता, और जब समय आता है तो वो ऐसे किसी हीलर के पास, ऐसे किसी विशेषज्ञ के पास पहुंच जाता है जहां उसका समाधान हो जाता है। तो पहला सब्जेक्ट टू नेचर, आप डाउजिंग कर सकते हैं। जब नेचर चाहती ही नहीं, जो चीज आउट हो वो अननोएबल की कैटेगरी में आता है और अननोएबल को नहीं जाना जा सकता। दूसरी बात मार्केट की, मार्केट के अंदर अगर आप डाउजिंग करते हैं तो ये फ्यूचर रिलेटेड डाउजिंग है। फ्यूचर रिलेटेड डाउजिंग नहीं करी जाती, प्रेजेंट रिलेटेड और पास्ट रिलेटेड डाउजिंग करी जाती है। आप फ्यूचर रिलेटेड करना चाहें, आपको कोई फल प्राप्त हो उसके अंदर, तो हमसे जरूर शेयर करें। लेकिन क्या आज एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर एक व्यक्ति ने जो भी डिसीजन लिया है, क्या वो सही लिया है, गलत लिया है, क्या ये विंडो ड्रेस्ड है बैलेंस शीट जो हम सामने देख रहे हैं, यहाँ ठीक है, ये सारी प्रेजेंट की बात है, ये पूछी जा सकती है, इसमें कोई संकोच नहीं है। अब आप फ्यूचर पूछना चाहते हैं, फ्यूचर में स्टॉक बढ़ेगा कि नहीं, मैं कह नहीं सकता, आपको डाउजिंग की दुनिया में सही जवाब मिलेगा कि नहीं। स्पेकुलेशन के लिए डाउजिंग की आर्ट वर्जित है, और उसका एक और मूलभूत कारण है, वो कारण ये है कि डाउजिंग डाउजर करता है, और डाउजर का भी एनर्जी दे देना, रख दे साथ में। दीपक पोदार जी आपसे रिक्वेस्ट है कि माइक म्यूट कर ले प्लीज। ओके मैन, तो जो डाउजर व्यक्ति कर रहा है उसको नेचर क्या अलाउ कर रही है फाइनेंशियली? ऐसा नहीं है कि हमें बस डाउजिंग सीखी, हमने आंकलन लगाया, लेते चले गए, प्रॉफिट होता चला गया, इसका मतलब तो ये कि हमने ओवरराइड कर दिया व्हाट एवर इज डेस्टिनेड फॉर अस। तो ऐसा हो नहीं पाएगा। अगर ऐसा होता तो ये बड़ा मूलभूत प्रश्न है जो आपने मेरे से डाउजिंग की जगत में करा, ये ज्योतिष के जगत का बहुत मूलभूत प्रश्न है। जब भी ज्योतिष के अंदर बच्चों को स्पेकुलेशन से प्रॉफिट होगा कि नहीं सिखाया जाता है, हम एक डील करना चाहते हैं इसमें प्रॉफिट होगा कि नहीं सिखाया जाता है, तो सबके दिमाग में पहले ये आता है, अच्छा ये बताएं कि फिर हम आज घर जाके अगर इसके ऐसे करें तो क्या हमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जो आपने प्रश्न पूछा उसके ये दो तीन आयाम हैं। अगर सब्जेक्ट टू, अगर इस परिधि के अंदर, इन तीन आयामों की परिधि के अंदर आप डाउजिंग करते हैं, उस तरह के प्रश्न पूछते हैं जो प्रेजेंट से रिलेटेड हैं, उस तरह के प्रश्न पूछते हैं जो नियति को प्रॉब्लम सम नहीं है, तो आप इसको किसी भी मार्केट में किसी भी स्थिति में डाउजिंग को लगा के जवाब ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर पीछे चर्चा में बहुत रहा सुशांत सिंह राजपूत जी का मर्डर हुआ या आत्महत्या थी, यू वॉन्ट टू फाइंड आउट ऑन योर ओन। सुभाष चंद्र बोस जी का मर्डर हुआ था कि आत्महत्या थी, यू वॉन्ट योर ओन एनालिसिस टू बी डन। ठीक है, दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज ने जो भी करा आपने पढ़ा, हो सकता है आप मानते हो सकता है आप ना मानते हो सकता है आप मानना ना चाहते हो सकता है आप क्यूरियस बाई नेचर हो, आप पता लगा सकते हैं। अभी एक नेटफ्लिक्स के ऊपर मैं जब थोड़े दिन पहले ब्राउज कर रहा था तो एक सीरीज थी जिसका नाम था कॉन्स्पिरेसीज। उस कॉन्स्पिरेसीज के अंदर एक एपिसोड हिटलर के बारे में था। उनका कहना यह था, जो व्यक्ति प्रेजेंट कर रहे थे उस डॉक्यूमेंट्री को, उस सीरीज को, कि हिटलर जी की मौत जो है वो नहीं हुई जिस तरह से आपको बताया जाता है हुई, क्योंकि जर्मनी के रेडियो पे घोषणा हुई, उनके अपने बंदों ने घोषणा करी, हो सकता है ये एक कवर अप था। हमारे पास भी बहुत खबरें आती हैं कि किसी की मौत पहले हो जाती है, बाद में बताया जाता है ताकि उपद्रव ना खड़ा हो, ताकि सेकंड इन कमांड, थर्ड इन कमांड, फोर्थ इन कमांड सेट कर लिए जाए। तो जब बड़े लोग होते हैं तो बातें बड़ी होती हैं, क्या चीज बतानी है, कब बतानी है, किसको बतानी है, ये संदेह के घेरे में सारी इंफॉर्मेशन रह सकती है। इसलिए अगर आप खोज निकालना चाहें तो आप खोज के निकाल सकते हैं, इससे किसी को प्रूफ तो नहीं कराया जा सकता, लेकिन आपके जानने के लिए ये साइंस, ये आर्ट बहुत अच्छी है। आप खुद जान सकते हैं
इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। और अगर आप इन्वेस्टिगेटर हैं और डाउजर हैं फिर तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के अंदर देर आर सो मेनी, इतनी सारी इसमें दिमाग में चॉइसेस आ रही होती हैं कि ये व्यक्ति कहाँ गया होगा, क्या चीज हुई होगी, मैं किस किस चीज को एक्सप्लोर करूं, कहाँ कहाँ जाके प्रश्न पूछूं, कहाँ पर हम अपने रिसोर्सेज पैसा एफर्ट और बंदे लगाएं, उस केस में भी डाउजिंग बहुत मदद कर सकती है चुनाव करने में कि कहाँ पर करने से फल प्राप्ति होगी, कहाँ पे करने से फल प्राप्ति नहीं होगी। तो ये थे मेरे कुछ थॉट्स आपके प्रश्न के ऊपर। तो किसी ने खूब कहा है कि मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान, कुछ दूर साथ चलकर देखें, कुछ तुम बदल कर देखो, कुछ हम बदल कर देखें। तो आज हमारी चर्चा रिलेशनशिप डाउजिंग के ऊपर है, कैसे हम डाउजर का इस्तेमाल करके लोगों को रिलेशन के बारे में जान सकते हैं और फिर कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, इसके ऊपर आज मेरी आपसे चर्चा होगी। और इसके लिए मैंने आपको एक छोटे से नोट्स भेजे थे सिंगल पेज के, जिसके अंदर एक डायग्राम है, अगर आपने ये निकाले हैं तो कृपया मुझे दिखाइए। गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, आई एम हैप्पी टू सी काफी लोगों ने ये निकाला है। तो आइए इस मोटिवेशन के साथ कि आप लोगों ने पीछे से होमवर्क करा है, निकाल लिया है, आगे बढ़ चलते हैं और देखते हैं कि दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, इसको कैसे देखें। जरूरी नहीं कि रिलेशनशिप जो है हस्बैंड वाइफ का हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, रिलेशनशिप का मतलब कोई भी रिलेशनशिप। और रिश्ते हमेशा पता क्या है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे रहते हैं। चलिए पहली चीज ये कि दो बंदे आपस में कंपैटिबल हैं कि नहीं। एक व्यक्ति का ऊर्जा आभा मंडल दूसरे व्यक्ति के ऊर्जा आभा मंडल के लिए अच्छा है कि नहीं। बड़ी बार ऐसा प्रश्न उठता है खासकर मैरिड कपल्स के मन में और आके पूछते हैं, जरा देखिए और बताएं कि क्या मैं इनके लिए अच्छी हूं, किस्मत वाली हूं कि नहीं। ऐसा ही लड़के के मन में भी प्रश्न उठता है। तो इसको डाउजिंग के वर्ल्ड के अंदर हम ऐसे देखते हैं कि दोनों का नाम लिख लेते हैं एक पर्ची पर, एक पे एक उंगली दूसरे पे दूसरी उंगली। जब दोनों का उंगली रखते हैं तो उसके बाद इस डाउजर को लेते हैं, तो ये डाउजर यस की तरफ जाए तो यस, नो की तरफ जाए तो नो, और अगर पेपर नहीं है तो अगर ये क्लॉकवाइज घूमे तो दे आर कंपैटिबल, नहीं तो नॉट कंपैटिबल। केवल इतना ही नहीं, अगर चुनाव करना हो, लड़का पूछता है कि दो लड़कियां हैं बताइए कि कौन सी लड़की मेरे से ज्यादा कंपैटिबल रहेगी अगर मैं इसके साथ शादी करूं। एक व्यक्ति बोलता है कि दो लोगों के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, बताइए कौन सी लड़की के साथ या कौन से लड़के के साथ पार्टनरशिप करी जाए कि वो ज्यादा मेरे लिए अच्छी रहे। तो उसके लिए सिर्फ यही नहीं देखना कि दोनों आपस में कंपैटिबल है कि नहीं। हो सकता है मेरे साथ ए बंदा भी कंपैटिबल है और बी बंदा भी कंपैटिबल है, लेकिन अब जब साझेदारी करनी है तो किसी एक व्यक्ति के साथ करनी है, तो जो ज्यादा कंपैटिबल होगा साझेदारी उससे करनी है। इसका मतलब मुझे इंटेंसिटी नापनी पड़ेगी कंपैटिबिलिटी की, इसका मतलब मुझे परसेंटेज चाहिए, 0 से 100% तक चाहिए। इसलिए जो आपके पास पेज दिया वो यहाँ 0 से शुरू होता, ऐसा 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 100% तक चलता है। अगर ये 0 है और ये 100 है तो ये क्या होगा, 50। तो इसके ऊपर लिख सकते हैं 50% ऐसे। और अगर ये 0 है, पहले आप लिख लीजिए फिर मैं बताता हूं। और अगर ये 0 है और ये 50% है तो ये क्या होगा, 25% जी। और अगर ये 0 है, ये 25% है, ये 50% है और ये 100% है, तो 50 और 100 के बीच का ये क्या, 75% अब हमने अपनी वही दो उंगलियां ली
एक को एक नाम पे रखा, दूसरे को दूसरे नाम पे रखा और पूछा कि ये दोनों कितने प्रतिशत कंपैटिबल हैं, तो हमारी रीडिंग आई कि 50%, 60%, 70%, है ना। जैसे मिसाल के तौर पर ये मैं स्क्रीन थोड़ी सी मोड़ता हूं, क्या ये पेपर दिखता है आपको? हम हाँ दिख रहा सर, थैंक यू। अब दो नाम लेते हैं, एक मैं अपना नाम लिख दिया यहाँ पे PRABAL, एक मैंने यहाँ पे धूत साहब हैं BRIJESH, इनका नाम लिख दिया, दोनों के आगे टाइटल का प्रयोग नहीं करा, ब्रजेश जी माफी चाहता हूँ। तो पहले देखना यह है कि ये दोनों आपस में क्या कंपेटेबल हैं। तो एक उंगली यहाँ रखी, एक उंगली यहाँ रखी, आपको दिखता है? हाँ जी। डाउजर से पूछा कि क्या ये दो व्यक्ति कंपेटेबल हैं, तो डाउजर ने मुझे क्लॉकवाइज जवाब दिया है, इसका मतलब हाँ, इसका मतलब ये कि मैं इनके लिए, ये मेरे लिए फायदेमंद या बेनिफिशियल एनर्जी सिस्टम रखते हैं। हर वो व्यक्ति जो मेरे लिए बेनिफिशियल एनर्जी सिस्टम रखता हो, जरूरी नहीं है कि वो जिंदगी भर मेरे साथ ही रहे, इसके ऊपर मैं अभी चर्चा करता हूं। पर ये बात क्लियर हुई कि कैसे मैंने देखा, और यस नो चार्ट से भी जो कल दिया था उससे भी ये देखा जा सकता था बिल्कुल ऐसे ही। मान लीजिए कि ये यस का एरिया है और ये नो का एरिया है, तो मैंने ये दो उंगलियां फेर ली, एक उंगली प्रबल, एक उंगली ब्रजेश, और इनसे पूछ इसको बताया कि ये यस रिस्पॉन्स होता है, ये नो। डाउजर साहब ये बताएं कि ये दो व्यक्ति आपस में कंपेटेबल हैं कि नहीं, तो ये उन्होंने यस की तरफ इशारा करा, जिसका मतलब ये दोनों व्यक्ति कंपेटेबल हैं। पहला आंसर समझ में आया, गुड। आगे बढ़ते हैं कि कितने कंपेटेबल हैं, ये अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक व्यक्ति को और लेते हैं, जैसे हमने लिया मिस्टर अरुण कुमार। तो अब हमने प्रश्न पूछा, क्या प्रबल और अरुण कुमार जी ये जो हैं कंपेटेबल हैं, तो भी हमारा आंसर आया यस, कंपेटेबल हैं। अब प्रश्न उठता है कौन ज्यादा कंपेटेबल है, कौन कम कंपेटेबल है, इसके लिए जो मैंने आज आपको पेज दिया ये जरूरी है। तो हमने डाउजर लिया, डाउजर को बोला देखिए साहब ये है 0%, ये है 25%, ये है 50%, ये है 75%, ये है 100%। एक नाम रखा प्रबल और दूसरा उंगली रखी ब्रजेश के ऊपर और पूछा कि ये कितने परसेंटेज ये कंपेटेबल हैं। तो अराउंड मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो तकरीबन 85% आ रहा है, यहां पर आ रहा था। अब आप 75 से 100 के बीच का अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। अब मैंने दूसरा लिया कि प्रबल और अरुण कुमार जी ये कितने कंपेटेबल हैं, तो फिर डाउजर साहब बताइए, और डाउजर साहब अब बताएंगे, ये इन्होंने बताया तकरीबन यहां आ रहा है अराउंड 55%। तो आंसर दिया जा सकता है कि पहली बात ये कि प्रबल और ब्रजेश, और दूसरी बात प्रबल और अरुण कुमार, ये दोनों रिलेशनशिप्स कंपेटेबल हैं, लेकिन प्रबल और ब्रजेश की कंपेटेबिलिटी 85-86% है, जबकि प्रबल और अरुण कुमार जी की कंपेटेबिलिटी 55% है। क्या मैं आपको यह बताने में सक्षम हो पाया जो मैं बताना चाह रहा था पिछले 5 मिनट में? जी सर, यस। ओके ओके, तो अब एक बारी मैं थोड़ा पॉज लूंगा ताकि आप ये चीज अपने हाथ से करें और फिर मैं आगे चलूंगा। तो आप भी अपने हाथ से दो नाम लिखें, एक अपना और एक किसी जिससे आपकी बहुत बनती है ना, एक नाम उसका लिख लें, एक जिससे कम बनती है एक नाम उसका लिख लें, और एक उसका नाम लिख लें जिससे बिल्कुल नहीं बनती, कभी बनी ही नहीं, क्योंकि ये चीज आपको पता है। अब आप डाउजर से पहले पूछें तो आपको ये पता लग जाएगा कि डाउजर की पेंडुलम की मूवमेंट कैसे होती है।
उसके बाद फिर आप बाद में आज की क्लास के बाद किसी और के साथ भी पूछना चाहें कि इनके साथ मेरा एनर्जी सिस्टम मैच करता है नहीं, तो पूछ पाएंगे। तो दो वो जिनके साथ बनती है और एक वो जिनके साथ नहीं बनती है, तो हमें पता लग जाएगा कि पेंडुलम का रिस्पॉन्स और कितने प्रतिशत किसके साथ हमारा एनर्जी सिस्टम मैच करता है। सबको कुछ रिस्पांस मिल रहा है? यस, मिला जी, 25%। अब आगे बढ़ते हैं, अगर आप लोगों ने ये एक्सरसाइज कर ली तो कुछ चैट में रिस्पांस आए हैं। यस सर, यस सर, थैंक यू। ओके, अगली बात समझने वाली ये है कि जिन लोगों की आज नहीं बन पा रही, क्या उनकी आपस में कभी बनी नहीं थी? या इसको ऐसे सोच लें कि जो दो व्यक्ति आपस में कंपैटिबल हैं, क्या वो हमेशा ही एक दूसरे के कंपैटिबल ही रहेंगे, या बीच में हो सकता है कि रोड के ऊपर भी कुछ उपद्रव आ जाता है, रोड के ऊपर भी कोई स्पीड बैरियर आ जाता है, तो अच्छे अच्छे रिलेशनशिप में भी मनमुटाव चलता है थोड़े दिनों का, ये भी तो हो सकता है। किसी ने खूब कहा है कि रिश्तों को वक्त और हालात बदल देते हैं, अब तेरा जिक्र होने पर हम बात बदल देते हैं। तो एक प्रश्न इंटेलिजेंट डाउजर और पूछा करता है, वो ये, आर दीज टू पीपल कंपैटिबल नाउ? आज उन दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी है कि नहीं? बड़ी बार देखने में ऐसा आया है भाइयों के अंदर, मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के अंदर, कि दो भाई बड़े कंपैटिबल थे आपस में, पर अभी आजकल एक साल से पता नहीं क्यों एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं हैं उतनी प्रेमशील नहीं रही, और फिर उसके बाद दोबारा से प्रेमशील बन गई। तो जब हम हीलिंग के जगत में रिलेशनशिप हीलिंग की भी कल को चर्चा करते हैं, तो डाउजिंग का इनपुट जरूरी होता है। आज दो बंदों की बन रही है कि नहीं बन रही, यही उंगली लगा के पूछ सकते हैं, आपको आंसर वही मिलेगा, उसी तरह से पूछना है। लेकिन क्या दो व्यक्ति कंपैटिबल हैं कि नहीं? हाँ, अब सपोज आज नहीं बन रही लेकिन कंपैटिबल है, इज इक्वल टू हीलिंग कर सकते हैं। आज नहीं बन रही, वैसे भी दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं है, हीलिंग करके क्यों अपने सर मुसीबत मोल लेते हैं? ये दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे ही नहीं है, किसी और को करने दीजिए पाप कर्म। हम अपने पॉजिटिव चीज ही सलाह दे सकते हैं और पॉजिटिव चीज ही कर सकते हैं। हमने ढूंढ के निकाला, जब दो बंदे कंपैटिबल है ही नहीं, ना आज ना कभी थे पहले, तो फिर बेहतर है कि कुछ गलतियों को भूल जाना, मैंने कहा कि बेहतर रहता है। अगली बात यूं कि पीपल कम इन आवर लाइफ इधर फॉर अ रीजन और फॉर अ सीजन और फॉर अ लाइफ टाइम। जो व्यक्ति हमारी जिंदगी में आया है, या तो किसी कारण के लिए आया है, या ऋतु के लिए आया है, या जिंदगी भर के लिए आया है। जो लोग किसी कारण के कारण आते हैं, जैसे आज आपका टीवी खराब है तो टीवी ठीक करने वाला मैकेनिक आ गया, ये ही हैज कम फॉर अ रीजन। लेकिन मेरे से आपने कोई 3-4 महीने का कोर्स सीखा, आई हैव कम देयर फॉर अ सीजन, मैं आपको कुछ कराने के लिए, कुछ बैलेंस बिठाने के लिए, कुछ पुराने कर्म निभाने के लिए,
फिर मैं तब आया, तब सीजन के लिए लोग आते हैं। एंड लाइफ टाइम वाले लोग लाइफ लेसन देने के लिए आते हैं, मेरी सास बड़ी बुरी है, पूरी जिंदगी सास को आपने बियर करना है, ये लाइफ टाइम का लेसन है, आपकी नेचर ठीक करवा के ही मानेगी। मेरे पिताजी ऐसे मिले तो वो इसलिए ऐसे नहीं मिले, वो उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण है कि आपको ऐसे पिताजी मिले, उसके पीछे कारण है कि आपको ऐसे भाई बंधु मिले, उसके पीछे कारण है कि आपको ऐसे पति बीवी मिले, उसके पीछे कारण है कि आपके इन-लॉज ऐसे हैं। वो आपको लाइफ टाइम लेसन देते हैं। तो पीपल कम इन आवर लाइफ फॉर अ रीजन, फॉर अ सीजन और अ लाइफ टाइम। और अगर सीजन के लिए भी एक अच्छा बंदा मिल जाए तो हमें भगवान का शुक्रमंद होना चाहिए। 6 महीने के लिए सही आया तो सही, मुस्कुराहट हमारे मन में लाया तो सही, ये भी अच्छी बात है। तो जब आप डाउजिंग करेंगे तो आप देख, आपसे पूछा जाएगा बड़ी बात कि साहब आर वी मेड फॉर ईच अदर। तो मन में पहले क्लियर होना चाहिए कि कई लोग एक रीजन के कारण मिलते हैं, कई सीजन के कारण मिलते हैं और कई लाइफ टाइम के लिए मिलते हैं। तभी तो इसमें से ढूंढिएगा कि ये जो दो लोग हैं क्या ये किसी रीजन के कारण मिले, किसी सीजन के लिए मिले हैं या पूरी लाइफ टाइम के लिए मिले हैं। अगर आपसे कोई लड़की युवती आके पूछे कि बताइए डाउजर साहब हमारी शादी होगी, तो ये तो फ्यूचर का प्रश्न हो जाएगा, पर आप इसको प्रेजेंट का कन्वर्ट करके आंसर दे सकते हैं। कैसे? क्या ये दो बंदे जो आज हमारे सामने हैं, जो हमसे प्रश्न कर रही है और जो दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रश्न कर रही है, चाहे वो उपस्थित हो चाहे ना हो, दो नाम आ गए, दो नाम करिए, आर दे हियर फॉर ए लाइफ टाइम टुगेदर और नॉट? तो ये प्रेजेंट का क्वेश्चन हुआ, इसका जवाब मिलेगा और आप उसको उत्तर देने में समर्थ होंगे। तो कनेक्शंस को, रिलेशनशिप्स को आप इस तरह से कुछ कैटेगरीज के अंदर बांट सकते हैं, क्योंकि बड़े फ्रेजाइल होते हैं रिलेशनशिप्स। वो किसी ने खूब कहा है कि भाई चुप यूं नहीं कि अल्फाज कम है, चुप यूं है क्योंकि अभी लिहाज बाकी है। तो रिलेशनशिप में डिस्काउंट देने होते हैं, डिस्काउंट ना दें तो उपद्रव खड़े होते हैं, उपद्रव होता है तो डाउजर की जरूरत पड़ती है ये बताने के लिए कि अब आगे क्या होगा, अभी कैसी परिस्थिति है। इस सब के अंदर आपका प्रेजेंट सर्कमस्टेंस को दिखना कार्य है, उसके अंदर रिलेशनशिप में कैसे दिखते हैं, इस पे मैंने आपको कुछ बेसिक्स अभी तक बताए। इसके अंदर कुछ एडवांस चीजें भी हैं, मैं जिस हिसाब से देखता हूं रिलेशनशिप्स को, अगर आप कहें तो मैं वो भी आपसे साझा कर सकता हूं, वरना yes. मैं क्वेश्चंस ले सकता हूं। yes. अब एक बंदे ने कहा है अरुण कुमार जी ने yes, अभी एक और ने श्रिया जी ने उंगली उठाई है, अंगूठा उठाया, ज्यादा अंगूठे दिखाएं तो कर देते हैं, ज्यादा आए हैं, अब थोड़ा मन कर रहा है। देखिए मन वाला आदमी हूं मैं, ज्यादा दिमाग लगा के नहीं चलता, रात को नींद अच्छी आती है मन से। तो सुनिए मैं किस तरह से रिलेशनशिप डाउजिंग करता हूं। आपके पास लोग डाउजिंग की के डाउजर की हैसियत से तब आते हैं ज्यादातर जब प्रॉब्लम्स होती है रिलेशनशिप्स के अंदर, अदरवाइज तो वो कैफे कॉफी डे और इस तरह के रेस्टोरेंट्स वगैरह में पाए जाते हैं। प्रॉब्लम्स आए तो एस्ट्रोलॉजर के पास, हीलर्स के पास, डाउजर्स के पास, टैरो रीडर्स के पास पाए जाते हैं। तो जब प्रॉब्लम आए और लोग आपके पास आए तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है, डायग्नोज करना है कि प्रॉब्लम आ कहां से रही है। तो प्रॉब्लम कहां से आ सकती है? हर रिलेशनशिप का एक पीछा होता है, पीछा। 4 साल हो गए रिलेशनशिप के अंदर, आज प्रॉब्लम आ रही है तो 4 साल के अंदर जरूर एक दूसरे के साथ कुछ बुरा कहा सुना हो गया होगा। जब ये बुरा कहा सुना एक दूसरे से हो जाता है तो आदमी जब दूसरे से बात करता है तो बीच के अंदर तुमने मेरी माँ के बारे में ऐसे बोला था, ये भी साफ साफ आता है। तो उसको एक दूसरे की शक्ल नहीं दिखाई देती, ये भी दिखाई देता है कि इस व्यक्ति ने मेरे माँ बाप के बारे में, मेरे भाई बहन के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में, मेरे बैकग्राउंड के बारे में, मेरे एजुकेशन के बारे में, मेरी शक्ल के बारे में, मेरे कर्म बाल होने के बारे में, किसी चीज के बारे में भी जो नेगेटिव है वो बोला था। और कभी कभार ये स्मृतियां जो नकारात्मक स्मृतियां हैं
ये पीछे होने के बजाय आगे आ जाती हैं और हमें रिलेशनशिप के अंदर अग्रसर होने में बाधक सिद्ध हो रही होती है। और अगर ये बाधा है तो आसान है इसको दूर करना। दूर कैसे करें वो तो हीलिंग का सवाल हुआ, पर पहले पहुंचे तो सही कि प्रॉब्लम काहे आ रही है जी। पहली बात, आर दीज पीपल मेंट फॉर अ रीजन सीजन और लाइफ टाइम, इफ ए लाइफ टाइम देन, अगर लाइफ टाइम के लिए इकट्ठे हैं तो इनके पीछे में क्या प्रॉब्लम है, और जब पीछे में प्रॉब्लम है तो जब इकट्ठे चल रहे हैं 3-4 साल से, इन 3-4 सालों की प्रॉब्लम है क्या? हाँ जी प्रॉब्लम है, तो देखिए फिर कि क्या प्रॉब्लम है और उसको दूर करने के लिए सजेशन दीजिए। जैसे कि जी आप जाइए मैरिटल काउंसलिंग करा लीजिए किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, आपकी बाधाएं दूर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनकी जो जड़ है वो पिछले 4 साल के रिलेशनशिप्स के अंदर ही लाई करती है, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। यू मस्ट गो एंड टेक सम काइंड ऑफ अ मैरिज काउंसलिंग, इट विल बी डन। ठीक है जी, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आता है कि नहीं पिछले 3-4 साल की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम का सोर्स और भी एंशियंट है, पिछले जन्मों का लेखा जोखा है, यानी कार्मिक डेट्स नजर आते हैं। अब अगर कार्मिक डेट है, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का पिछले जन्म में खून पिया, मतलब उसको तंग करा, इस जन्म में तंग होने के लिए दोनों इकट्ठे हैं, इसके लिए तो कार्मिक लेसन उसको झेलना होगा ना, जब तक कि कार्मिक डेट की रेजोल्यूशन ना हो जाए। और कार्मिक जो ऋण होते हैं, जो कार्मिक डेट होता है, उसके रेजोल्यूशन के लिए आपको उसको एस्ट्रल हीलर के पास भेजना होगा, या हीलिंग की दुनिया में कदम रखना होगा, या साइकोलॉजी के अंदर एक ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं रिग्रेशन थेरेपी, वो लगाई जा सकती है, पीछे लेके जाया जा सकता है टाइम ट्रेवल में और वहां जाके हीलिंग दी जा सकती है, या फिर एस्ट्रल हीलिंग कर सकते हैं। ये 2-3 तरह की चीजें मतलब होती हैं जो इस चीज को एड्रेस कर सकती है। लेकिन कम से कम आप डायग्नोज तो करिए कि प्रॉब्लम अभी की नहीं है, प्रॉब्लम तो बहुत पहले की है, आपका तो डेट बनता है इनकी तरफ, इसलिए इस डेट को रिमूव कराएं, तब जाके रेजोल्यूशन होगा। जब तक आपका डायग्नोसिस अच्छा नहीं होगा तब तक रेमेडी नहीं हो पाएगी प्रॉब्लम, तो हम बेहतर से बेहतरीन डाउजर नहीं बन पाएंगे। अगर हमें बेहतर से बेहतरीन डाउजर बनना है तो हमारी समझ का दायरा और लगाने के एप्लीकेशन करने की ताकत वो बढ़नी चाहिए। मैं उसका आज आपको एक नमूना दिखा रहा हूं कि जो बेसिक रिलेशनशिप डाउजिंग थी वो मैंने आपको बताई, अब मैं आपको ये एडवांस बता रहा हूं कि देखिए बेसिक में उतना आता, लेकिन एडवांस जो बता रहा हूं उससे देखिए कि फिगर आउट करने में आपको आसानी होगी कि गरारी कहाँ फंसी है। जहां गरारी फंसी है उसी मैकेनिक के पास जाइएगा ना। एसी में गैस कम है तो गैस वाला गैस भरेगा, लेकिन अगर एसी का इलेक्ट्रॉनिक पार्ट आगे की तरफ से खराब है तो दूसरे भाई से वो आपको ठीक करा के इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट देगा। सबके लिए द्वार एक नहीं होगा, द्वार अनंत है, आपको ढूंढ के निकालना है कौन से द्वार की जरूरत है। अब बात आती है कि नहीं कार्मिक डेट भी नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आप दोनों के बीच की नहीं है, हो सकता है प्रॉब्लम सिर्फ मेरी या सिर्फ आपकी हो, वो कैसे? साइंटिस्ट का मानना है कि पहले 7 से 8 साल आपकी जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जिस तरह का एनवायरनमेंट एक बच्चे को पहले 7 साल में मिलता है, उसी तरह की पर्सनैलिटी, उसी तरह का बिहेवियर पैटर्न वो आगे बड़े होकर अडॉप्ट कर लेता है। तो पहली बार जब मुझे कुछ ऐसा करना था जहां मेरे पेरेंट्स नहीं थे और मुझे अकेले करना पड़ा, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए नहीं आए, मेरा स्टाइल सिचुएशन को डील करने का कैसा था उस पर डिपेंड करेगा कि मैं आगे बड़े होके रिलेशनशिप्स कैसे फॉर्म करूंगा। इस चीज को साइकोलॉजी की दुनिया के अंदर बोला जाता है अटैचमेंट स्टाइल्स, और 3 तरह के दुनिया में अटैचमेंट स्टाइल्स पाए गए। पहला सिक्योर, ये बहुत कम पाए जाते हैं, जिनके माँ बाप का रिलेशनशिप अच्छा होता है और जो अपने औलाद के प्रति कद्रदार होते हैं, कद्र करते हैं उनकी, उसको सपोर्ट करते रहते हैं बचपन में, वो व्यक्ति बड़े होके रिलायबल बन जाता है, उसका सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल होता है। ऐसे लोग डाउजर के पास नहीं आते, इनके पास पेशेंस होती है,
इनके 20-20 साल पुराने रिलेशनशिप्स चलते रहते हैं, ये छोटी मोटी बात को लेके गुस्सा होते ही नहीं है, ये रिलेशनशिप की कदर भी जानते हैं और मन में इनके सिक्योरिटी भी है। तो क्या हो गया अगर उसने ऐसा कह दिया, तो क्या फर्क पड़ गया, कोई बड़ी बात नहीं, माफ कर दो। ये डिस्काउंट देने की आदत उनके अंदर है। लेकिन अब जो दो दूसरे अटैचमेंट स्टाइल है जिनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, वहां प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और वैसे ही लोग ज्यादातर हम लोगों के पास यानी डाउजर्स के पास आते हैं। वो किस तरह के लोग होते हैं? पहला होता है आर्ग्यूमेंटेटिव अटैचमेंट स्टाइल, जहां पे ऐसी सिचुएशन हुई जो दिल को बिल्कुल भाती नहीं है तो वहीं पे आर्ग्यूमेंट करना चालू कर दिया, रोना धोना शुरू कर दिया, हाय तेरा कुछ ना रहे, तू समझती नहीं है, तेरे में दिमाग ही नहीं है, या तेरे लड़का या लड़की जो भी, आर्ग्यूमेंटेटिव, यू डोंट अंडरस्टैंड। तो ये तुम सही और मैं गलत के खेल में जो है ना, बहुत सारे रिश्ते ये ढह जाते हैं। और जब तक तुम सही और मैं गलत के खेल में हम रहते हैं तो हमारा सिक्योर रिलेशनशिप स्टाइल नहीं होता। तुम गलत भी सही तो हमें कबूल हो, ये सिक्योर रिलेशनशिप स्टाइल होता है। जैसे आप अपने बच्चों के साथ करते हैं, अगर वो कुछ गलत भी कर देते हैं तो शाम को आप उसको अपने साथी सुलाते हैं। ऐसे ही अगर कोई आपका दोस्त या बीवी या हस्बैंड कुछ गलत कर देते हैं, फिर भी इन स्पाइट ऑफ दैट, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बट इन स्पाइट ऑफ उनके गलत करने के आप उनको साथ में रखें, ये सिक्योर स्टाइल। और क्योंकि तुमने अच्छा करा इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि तुमने बुरा करा इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, तो इट इज बिकॉज ऑफ योर गुडनेस दैट आई एम विद यू, एंड इट इज बिकॉज ऑफ योर बैड बिहेवियर दैट आई एम नॉट विद यू। तो ये सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल नहीं है। आपको ढूंढ के निकालना है वो दो व्यक्ति जिनको आप डाउस कर रहे हो, जिनके रिलेशनशिप को आप पहचानना चाहते हो, उनका अटैचमेंट स्टाइल क्या है। सिक्योर है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन सिक्योर नहीं है तो दो तरीके का हो सकता है तो प्रॉब्लम होगी। पहला आर्ग्यूमेंटेटिव और दूसरा अवॉइडेंट। अवॉइडेंट का मतलब होता है कि आपने मेरे से झगड़ा करा तो मैं चुप हो गया, क्या बोलूं यार, समझदार ही नहीं है, समझती नहीं है, समझता ही नहीं है, चुप ही रहते हैं तो अच्छा रहता है, चुप रहने से कम रिलेशन सेव होता है, चुप रहो, अवॉइड कर दो। अच्छा, कई लीडर्स ने हमारे यहाँ पास्ट में यही काम करा, 15-15 साल, 60-60 साल बड़े बड़े इश्यूज को अवॉइड करा। क्यों भाई, अपनी गद्दी है 5 साल की, अवॉइड करो, चलने दो, होता है चलता है, जो आएगा देखेगा। तो अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल वाले लोग बातों को अवॉइड करके साइड होके चुप से निकल जाते हैं, लेकिन फिर रिलेशनशिप में तो मजा रहता नहीं ना। तो फिर क्या होता है जी, 12 साल हो गए मेरी शादीशुदा जिंदगी को, बीवी उस तरफ मुंह करके सोती है, मैं उस तरफ मुंह करके सोता हूं, तो जी पति पत्नी के अंदर कोई मिलाप है ही नहीं। दे हैव अग्रीड टू अंडरस्टैंड दैट दे डिसएग्री, बस इतनी सी बात है। ये किस तरह के बीवी और हस्बैंड का रिलेशनशिप हुआ, ये किस तरह के बिजनेस पार्टनर्स का रिलेशनशिप हुआ, ये तो मुझे समझ नहीं आया। तो ये अटैचमेंट स्टाइल भी सेल्फ साबोटाजिंग है, ये भी घातक है अपने लिए। इसलिए आपको ये ढूंढ के निकालना है कि चाइल्डहुड पेरेंटिंग का बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, रेजिंग का बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, किस तरह का अटैचमेंट स्टाइल उन्होंने डेवलप करा है, क्या ये सिक्योर है, क्या ये आर्ग्यूमेंटेटिव है, क्या ये अवॉइडेंट है। अगर ये सिक्योर है तो नो प्रॉब्लम, दोनों का, दोनों, बहुत कम ऐसा होगा। अगर एक का सिक्योर है और दूसरे का आर्ग्यूमेंटेटिव है तो बताइए कल्प्रिट कौन। ये भी एक गहरी बात थी, मैंने कहा बताता चलो। दो बंदों की नहीं बन रही, बीवी आके बोलेगी पति बड़ा गलत है, पति आके बोलेगा बीवी बड़ी गलत है, आप किसकी बात मानिएगा? या तो पूछ लीजिए कि कौन गलत है, आप गलत कौन सही कौन, या फिर अटैचमेंट स्टाइल ढूंढ लीजिए दोनों का डाउजर के माध्यम से। एक का अगर सिक्योर आए, दूसरे का आर्ग्यूमेंटेटिव आए, तो बताइए कौन गलत। सभी म्यूट रख के थोड़ी ना बैठना है, कभी तो अनम्यूट भी करना है, लगे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं।
सिक्योर सही है, सिक्योर सही है ना। तो इस तरह से इंटेलिजेंटली जो पढ़ाया जाए उसको यूज करने में कितना कुछ हमें प्राप्त हो सकता है, हम कितनी देर, जितनी नॉलेज आज हमें से हम अपने दोस्तों का या जो हमारे पास क्लाइंट आते हैं उनकी मदद कर सकते हैं, बोल सकते हैं, समझा सकते हैं और उनकी परिस्थिति को ग्रहण कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ये आप अंदाजा लगाएं। ये है खेल सिर्फ डाउजिंग का और बाकी दिमाग की अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी का। इसके अलावा देखिए एक दो बातें क्या और बताता चलूं इसी के बारे में कि मैं कैसे रिलेशनशिप को देखता हूं या इतना काफी है? और बताएं सर, और बताएं। और देखिए कि इसके अंदर आउटसाइड इन्फ्लुएंस का बड़ी बार हाथ होता है। बड़ी अजीब सी बात है लेकिन ऐसा होता है कि सुरभिका जी प्लीज प्रोसीड सर। सुरभिका जी आपकी फोटो दिख रही मुझे, तो बड़ी बार ऐसा होता है सुरभिका जी कि थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होता है दो बंदों के रिलेशनशिप में। कैसे? मिसाल देखिए, दो पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर का दोस्त उसको आग लगाता है, साला बेकार बंदा, इसको छोड़ने तेरे पीछे से प्रॉफिट खाता है। आप इसकी बात कर रहे हैं भाई, जो मैं नेटफ्लिक्स पे आपको सीरीज बता रहा था कॉन्स्पिरेसीज, उसके अंदर बता रहे थे कि जो ये कोल्ड वॉर चली तो नाजी जर्मनी से एक व्यक्ति था, उसने बहुत भ्रांति फैलाई क्योंकि जर्मनी हार गया और हर एक को अपनी जान बचानी थी। और ये अमेरिकन क्या करते थे, ये लोग डीले देते थे, डील, आई विल गिव यू अ डील। क्या डील है? कि मैं मर्डर करके आया हूँ 50, ओके नो प्रॉब्लम, आई विल गिव यू अ डील कि आपको सिर्फ सजाए मौत नहीं देंगे, आपको हम ऐसे करेंगे कि 14 साल कैद बा मुशक्कत देंगे। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको सारे राज बता दूंगा कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व। तो हमारे यहाँ मुझे नहीं पता कि डील का कंसेप्ट है कि नहीं, बाहर ना ये जो अपराधी अपराध का जगत है इसके अंदर ना डीले होती है। तो नाजीज को ये पता था, तो उसमें बताया कि जो इंटेलिजेंस का एक प्रमुख व्यक्ति था उसने जाके अमेरिकन के साथ डील कर ली कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि रशिया की चीजें कहाँ पर है और कौन कौन लोग यूएसए के खिलाफ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आपने मुझे प्रोटेक्शन देना। तो अमेरिकन गवर्नमेंट मान गई, लेकिन नाउ इन ऑर्डर टू कीप माई सेल्फ रेलेवेंट, मतलब देखिए अगर मैं कहूं कि जी कुछ हो ही नहीं रहा तो आप तो मुझे फटाफट से फांसी के फंदे में लटका देंगे, मैं तो चला गया। इन ऑर्डर कि मैं अपने आप का इंपॉर्टेंस बना के रखूं, वो गलत इंफॉर्मेशन फीड करता था कि रशिया ने यहां पर मिसाइलें लगा ली आपके खिलाफ, ये न्यूक्लियर सबमरीन भेजी जा रही है आपके खिलाफ। तो उन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चलती रही और बाद में ये पाया गया जब ड्रोन्स आ गए अमेरिका के पास भी और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आ गई, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर हमने हवाई जहाज तो लेके गए लेकिन उनके रेडार कैच नहीं कर पाए। और जब ऊपर से फोटोग्राफ ली तो जहां पे बोला गया था कि तुम्हारे खिलाफ चीजें यहां पड़ी हुई हैं, वहां पे कोई चीज रशियंस ने अमेरिकन के खिलाफ रखी ही नहीं थी। तो डील देने वाले कई बार इस तरह से बेवकूफ भी बहुत बनाया करते हैं और रिलेशनशिप्स के अंदर ऐसे ही तीसरा व्यक्ति जब बीच में आता है तो दो व्यक्ति बहुत बेवकूफ बनते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिका और यूएसएसआर के रिलेशनशिप्स को इस तरह के व्यक्तियों ने खराब करा। कई बार सास कुछ करवा रही है जी हमारे पे, सास बहुत कान भरती है मेरे पति के, जब वो पति अकेले में होता है तो मेरे खिलाफ बहुत बोलती है। कई बार हस्बैंड कहता है कि मेरी बीवी के जो फादर है ना ये बड़ा इंटरवीन करते हैं हर चीज के अंदर, नहीं मेरी बेटी के साथ ऐसे करो, नहीं मेरी बेटी के साथ ऐसे करो, नहीं मेरे। अच्छा ये भी आप अपने रिलेशनशिप में देख सकते हैं कि क्यों रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स है, किसकी तरफ से आ रही है, आउटसाइड इंटरवेंशन है क्या, और अगर है आउटसाइड इंटरवेंशन तो किसकी तरफ से है, कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है इनकी तरफ से है या उनकी तरफ से है, ये सारी चीजें आप बड़े आसानी से पता लगा सकते हैं। और केवल यही नहीं, आउटसाइड इंटरवेंशन में हमारे पुराने जगत के अंदर ये कुछ इस तरह की चीजें भी होती थी जिनको बोलते थे तंत्र,
भाई कोई काला जादू तो नहीं करा दिया, बंगाल के अंदर बहुत होता है, वहां से आसाम के अंदर बहुत होता है, वहां के लोग बड़ा प्रश्न पूछते हैं, बड़ी मुसीबत होगी कि सर मेरी सास ने कोई काला जादू तो नहीं करा दिया, इनके ऊपर आजकल बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं। तो आपको इसका भी प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। आप कहें कि नहीं ये उत्तर मैं नहीं दे सकता या दे सकती, तो ये भी बड़ी समस्या है। पर ये भी किस कैटेगरी में आएगा? आउटसाइड इंटरवेंशन, यानी आउटसाइड इंटरवेंशन कौन कर रहा है ये एक बात है, किस तरह से कर रहा है ये दूसरी बात है। क्या चुगली लगा के कर रहा है, क्या कोई स्पेल्स, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ब्लैक मैजिक स्पेल्स से कर रहा है, क्या कर्सिस से कर रहा है, श्राप, मैं तुम्हें श्राप देती हूं जा तेरा कुछ ना रहे, किस तरह से ये आउटसाइड इंटरवेंशन हो रही है इसको भी देखा जाए। और अगर आउटसाइड इंटरवेंशन है तो या तो फैमिली थेरेपी करी जाए, अगर ब्लैक मैजिक स्पेल्स नहीं है तो वो साइकोलॉजिस्ट करते हैं, या फिर हीलर्स के पास, वो वाले हीलर्स जो एनर्जेटिक स्ट्रेस को ठीक करते हैं वो ब्लैक मैजिक स्पेल उतार देंगे, या शैमनिक हीलर्स जो होते हैं वो भी ब्लैक मैजिक स्पेल को उतार दिया करते हैं। इस तरह का व्यक्ति को देखें तो ये आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा जब हम बहुत कंटिन्यूअसली सोचते हैं, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन भी हो सकती है और एक दूसरे की भी, मैं कंटिन्यूअसली नेगेटिव सोचता रहूं आपके बारे में, तो आपके और मेरे बीच में एक जो दिखती नहीं है इस तरह की तार कॉर्ड डेवलप हो जाती है, जिसको बोलते हैं साइकिक कॉर्ड्स। और जब कॉर्ड्स डेवलप हो जाती हैं तो वो एक दूसरे की एनर्जी को ड्रेन करती हैं। ये काफी बड़ा विषय है, इसके ऊपर एक डेढ़ घंटे का लेक्चर अलग से लिया जा सकता है कि कैसे कॉर्ड्स को देखा जाता है, फिर कैसे इंटरवीन करा जाता है, उसका मतलब क्या होता है, एक कॉर्ड कहाँ से जुड़ी है, बॉडी से है, ऑरा से है, चक्र से है, कौन से चक्र से, कौन से चक्र पे जाए तो उसका क्या मतलब हो सकता है, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें इसके जगत के अंदर भी पाई जाती हैं। लेकिन एज ए डाउजर सबसे पहले तो हम यही पता लगाएं कि क्या दोनों के बीच में कोई नेगेटिव कॉर्डिंग तो नहीं है, और अगर है तो उसको आप कटवाने के लिए किसी हीलर से संपर्क कर सकते हैं, चाहे उसको सीधा हीलर के पास भेज दें, चाहे आपका संपर्क हीलर से हो, इससे तो कोई फर्क नहीं। कई बार लोग आउटसोर्स करते हैं, कई बार वहां भेज देते हैं। तो ये इतनी सारी चीजें मैंने आपको आज बताई जो रिलेशनशिप डाउजिंग के दायरे के अंदर ही आती हैं। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं और फिर आज रात को जाके आप अपने अपनी फैमिलीज के अंदर अपना भी और कुछ जो इंटरेस्टिंग केसेस उभर के आ रहे होते हैं, जो गॉसिप के अंदर नाम आ रहे होते हैं, उनका भी रिलेशनशिप डाउजिंग जरूर करें और जो फाइंडिंग्स हो वो मेरे साथ कल शेयर करें तो अच्छा लगेगा। जैसे कई लोगों ने कल परसों का मेरे साथ कुछ शेयर करा है, जिन लोगों ने कुछ करा, कुछ फाइंडिंग्स थी। तो पहली चीज ये, दो व्यक्ति कंपैटिबल एक दूसरे के लिए है कि नहीं। दूसरी चीज, अगर है तो कितने प्रतिशत कंपैटिबल है। तीसरी चीज, कंपैटिबल तो है पर क्या अभी एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है कि नहीं, ये आप देखें। इसके बाद अगर कंपैटिबिलिटी नहीं आ रही है आजकल तो क्यों नहीं आ रही है, इसको ढूंढने की और आगे निकलें। इसको निकलने के लिए पहले पीछे को देखें कि जो 3-4 साल ये इकट्ठे रहे इसके अंदर कोई ऐसी उपद्रवी घटना तो नहीं घटी जिसके कारण एक दूसरे के बीच के अंदर कुछ दीवारें खड़ी हो गई हों और मेमोरी फील्ड वो आगे आ जाती है और रिलेशनशिप में प्यार मोहब्बत इसलिए खत्म हो रहा है, या कुछ पिछले जन्म जन्मांतरों के कार्मिक ऋण तो नहीं जिसके कारण इनको प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद चाइल्डहुड पैटर्निंग देखिए कि ये व्यक्ति बड़े कैसे हुए, बड़े होके इनका अटैचमेंट स्टाइल क्या है, क्या वो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल है, आर्गुमेंटेटिव है या फिर अवॉइडेंट है। इसके बाद आप थर्ड पर्सन एंगल को पूरी तरह एक्सप्लोर करें कि कोई और तो इनके लिए कुछ नहीं कर रहा, कोई और तीसरे व्यक्ति के कारण तो इनके अंदर दरारें नहीं पड़ रही, क्या कोई साइकिक कॉर्ड्स तो दो व्यक्तियों के बीच में डेवलप्ड नहीं हो गई है। इस तरह से आप अपनी रिपोर्ट भी बना सकते हैं किसी भी रिलेशनशिप डाउजिंग की, 2-3 पैराग्राफ्स की, और दूसरे को दे सकते हैं कि मेरे देखे हुए आप दोनों, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक दूसरे से कंपैटिबल हैं, आप दोनों के बीच में
55% कंपैटिबिलिटी है। पिछले गत कुछ दिनों से जो आपके बीच में वैमनस्य चल रहा है उसका मैं कारण देखता हूं कि एक तो ये कि पिछले जन्मों का कुछ ऋण है जो ए ने बी की तरफ देना है या बी ने ए की तरफ देना है, वो आप लिख लीजिए। और दूसरा ये कि आपके में से एक की पर्सनालिटी अटैचमेंट स्टाइल तो सिक्योर है और दूसरे की अवॉइडेंट है, तो ये सोचता है सब कुछ ठीक है जो सिक्योर है, और जो बी सोचता है कि सब गलत है लेकिन वो चुप रहता है और चुप रह के अंदर ही अंदर सड़ता है। जो चुप रहते हैं उनकी सड़न कहाँ होती है? अंदर। और जो बोलते हैं उनकी सड़न कहाँ होती है? बाहर। लेकिन दोनों ही केस में घर के अंदर ही सड़न होती है, इसलिए घर का मौसम वीराने की तरह होता है। तो ये दो कारण है इसके लिए। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट बिकॉज यू आर बेसिकली कंपेटेबल टू गेट द हीलिंग डन। इफ दे आर बेसिकली इनकम्पेटेबल देन डोंट टेल देम टू गेट द हीलिंग डन। तो इसके लिए आप अपने पास डेथ का रेजोल्यूशन कराएं, नंबर एक। रिकमेंडेशन में आ जाएगा, रिकमेंडेशन की आप सजेस्ट क्या करते हैं। और दूसरा, जिस व्यक्ति का स्टाइल अवॉइडेंट है उसको आप साइकोलॉजिकल सेशन के लिए बोले कि रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए इसको भेजा जाए कि जब कभी ऐसी परिस्थिति वो फेस करे जो उसके मन मुताबिक नहीं है तो उसको रिएक्ट कैसे करना चाहिए ये उसको सिखाया जाएगा। और ये धीरे धीरे करके, जैसे आप भी अगर ये काउंसलिंग सीख लेते हैं, कर लेते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। पर हर चीज को करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जब तक आपको ये चीजें नहीं आती तब तक आप किसी के पास भेज सकते हैं, जब आ जाएंगी तो आप भी खुद कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तब तक के लिए जब हम डाउजिंग सीख रहे हैं तो इसकी कोई एक रिटर्न रिपोर्ट भी इस तरह से बना सकते हैं या वॉइस नोट भी इसी तरह से बना सकते हैं। तो आपकी ये क्या बने? रिलेशनशिप डाउजिंग रिपोर्ट बाय देखिए मिस श्रिया चटर्जी। ये इतना सीरियस थी, अभी भी सीरियस है, अब हंसी है। तो पढ़ाई का मजा तब आता है जब आनंद में करी जाए। तो आनंद आनंद में सीख लिया जाए, आनंद आनंद में लोगों को भी भला कर दिया जाए। तो ये थे मेरे कुछ थॉट्स रिलेशनशिप डाउजिंग को लेके। आपके कुछ प्रश्न हो तो मैं प्रश्नों के लिए जितना समर्थ मेरे में होगा उसके उत्तर देने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप पूछ लें। अगर कोई, हाँ जी पूछिए अरुण जी। एक बड़ा अजीब सा कर कि मुझे इसको छोड़ देना चाहिए कि इसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए? अगर किसी से डिस्प्यूट हो रिलेशन में तो ये हमको क्या ठीक होगा का करना इसके जरिए? सर, एक होता है किसी को सलाह देना और एक होता है अपना नाक उसके एक कार्य में घुसाना। हम चाहे बाप हो किसी के, चाहे हम किसी के काउंसलर हो, चाहे हम किसी की बहन हो, भाई हो, और चाहे हम किसी के ज्योतिषी हो, बात बड़ी क्लियर है कि हमने आपका डिसीजन नहीं लेना। डिसीजन आपका क्लाइंट लेगा, हम कोई नहीं। हम ये बता सकते हैं कि आपका पिछला कराधरा इस तरह का है कि आपको ये दिक्कत आ रही। हम ये बता सकते हैं कि आप की और उसकी कंपैटिबिलिटी एक दूसरे के साथ है या नहीं है। ये तथ्य उजागर करने की ड्यूटी हम लोगों की है जिस जिस कैटेगरी में हम लोग हैं। ये नहीं बोल सकते हम, मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको छोड़िए या आप इसके साथ कंटिन्यू कीजिए। आपने जब तथ्य प्रदान कर दिए तो ये उसकी स्वेच्छा पे छोड़ दें कि उसने क्या कर। थैंक्स, मोस्ट वेलकम। और कोई प्रश्न आज का? एक्सक्यूज मी सर। जी अर्पणा जी, अपर्णा जी, सर क्या ये पता कर सकते हैं फ्यूचर के लिए कि आप मतलब मेरा जॉब लगेगा कब तक लगेगा, कैसे क्या? नहीं, डाउजिंग जो है ये प्रेजेंट की और पास्ट की जी साइंस है। इसको पहले तो इस तरह से देख सकते हैं कि कौन सी जॉब मेरे लिए ज्यादा सूटेबल है,
कौन सा एरिया ऑफ ऑपरेशन मेरे लिए ज्यादा सूटेबल है, ये पांच है, इन पांच, खाने का काम करूं, कपड़े का काम करूं, ट्रेवल का काम करूं, प्रोडक्शन का काम करूं, कि मैं कोई ट्रेडिंग का काम करूं, इनमें से मैं किसके लिए बना हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी हूं, मेरी एनर्जी ऑलरेडी है, तो ये प्रेजेंट की बात है, तो इसमें से मैं कौन सी लाइन में जाऊं, इस तरह का प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर कंपनियां चार हैं तो कौन सी कंपनी मेरे लिए ज्यादा अच्छी रहेगी, ये भी पूछ सकते हैं। लेकिन लेकिन ये पूछना, ये नौकरी मुझे, मैंने अप्लाई करा है, ये नौकरी मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये फ्यूचर के अंदर जाने वाली बात हो गई, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर बहुत ज्यादा रिस्पांस रेट है। और दुनिया में जो डाउजिंग करी जाती है वो प्रेजेंट और पास्ट के लिए करी जाती है, फ्यूचर के लिए नहीं। फिर भी मैं कहता हूं कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट प्रोफेशनली नहीं करा जा सकता। आप अपनी जिंदगी में एक्सपेरिमेंट करके अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो हमारे साथ भी शेयर जरूर करिएगा। यस, थैंक यू सर। शीला जी। हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि पहले जो क्वेश्चन, पहले उन्होंने जो क्वेश्चन किया ना कि रिलेशनशिप छोड़ देना चाहिए कि नहीं, तो वो हमारा प्रॉब्लम रहेगा, हमारा किसी के साथ, तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो मैडम, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी एक स्टूडेंट है, वो भी साइकोलॉजिस्ट है, पिछले 3 साल से न्यूजीलैंड में है, उसकी दो दोस्त बन गए पति पत्नी, एक पति एक पत्नी, दो दोस्त बन गए, और उसने, उन दोनों ने ना आपस में लड़ाई करी, लड़के ने लड़की को न्यूजीलैंड में मारा 2-3 बार, इसको बुरा लग गया मेरी स्टूडेंट को, ये उनके घर चली गई, उन दोनों का समन्वय बिठाने की इसने कोशिश करी, और जब समन्वय नहीं बैठा तो कुछ दिन पहले इसने पुलिस के अंदर, मेरी स्टूडेंट ने पुलिस के अंदर उस लड़के के खिलाफ कंप्लेंट कर दी, और उसमें लिख दिया कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूं तो मैं कह रही हूं कि ये जो लड़का है, ये जो है, ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है इसको, ये अपने आप को मतलब की बहुत समझता है और ये लड़की को प्रताड़ित करता है। इसको बोलते हैं मैडम अपने परिधि को क्रॉस कर, बिल्कुल ये थ्रेशोल्ड की लिमिट जो है आपकी, आपने उसको क्रॉस करा। फिर उनका मेरे पास फोन आया, मैंने अपने ज्योतिष के दृष्टिकोण से उनको बता दिया कि अभी आपकी, क्योंकि देखिए उस लड़के ने इसकी कंप्लेंट कर दी साइकोलॉजी बोर्ड के अंदर, उस लड़के ने कंप्लेंट कर दी इमिग्रेशन अथॉरिटीज को, अब आपने वो कर्म अपने सर पे उठा लिया, क्या आपने प्रोफेशनल हैसियत में उठाया? हम जो बात कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं एक्टिंग एज ए प्रोफेशनल, तो हम ये कार्य इसलिए नहीं करते, हमारी सीमा यहां तक है कि हम ये बताएं कि दो व्यक्ति आपस में कैसे हैं, अगर गलती ज्यादा है तो किसकी तरफ से गलती ज्यादा है, क्या ठीक होने की उम्मीद हो सकती है, क्योंकि अगर हमें आइडेंटिफाई कर पाए कि ये प्रॉब्लम्स हैं तो गलती भी शायद ठीक कराने तक हम पहुंच पाए। तो आपका वॉइस म्यूट बोल रही थी तो सुनाई नहीं पड़ा। शीला जी, मैं पूछना चाहती थी कि हमारा किसी के साथ ऐसा रिलेशन हो जाए तो वो हम क्वेश्चन करके हमारे लिए सॉल्यूशन कर सकते हैं कि इसको छोड़ देना चाहिए कि कंटिन्यूस रखना चाहिए? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू जी। ब्रजेश जी। सर, मैं आर्किटेक्ट हूँ। सर, क्या हूँ? काफी सालों से आई एम एन आर्किटेक्ट। वंडरफुल वंडरफुल जी। सर, तो काफी सालों से मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट करना चाहिए, ये प्रपोजल पे ध्यान देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब ये जजमेंट लेने के लिए कैन दिस डाउजिंग बी ऑफ इम्पोर्टेंस? कैन आई, बिकॉज इट हैज बीन लाइक इफ आई एम डूइंग सिंस 10 इयर्स 100 प्रोजेक्ट्स, तो उसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स कैन आई अवॉइड टेकिंग देम, कुछ प्रपोजल्स, और can I get an answer to this, definitive answer? आपके घर से अभी किसी ने और भी ये क्लास अटेंड कर रहा है आपके घर से कोई और right now? अभी नहीं, पिछला क्लास किया था मेरी मम्मी ने, सरोज जी। ओके, देखिए क्या है कि
पहली बात तो ये कि प्रपोजल कोई भी हो, जब तक आदमी खाली है, तो मेरा मानना ये है कि हमारी जिंदगी की लौ बुझ जाती है ये सोच के कि ये कम पैसे दे रहा है तो मैं नहीं करता। और मैंने कुछ अपने पिछले 10 साल का अनुभव में ये देखा कि कई चीजें मैं कर सकता था जो मैंने नहीं करी, तो इसलिए मैंने अब अपनी पॉलिसी ये बना ली है कि जो जो हाथ से निकाल सको वो हाथ से निकालते चलो, इससे पहले कि हमारा समय यहाँ पृथ्वी पर खत्म हो जाए। जो कर सको वो कर दो। इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आप बैठें और फिर प्रोजेक्ट्स को देख लें कि क्या ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बुरा तो नहीं, तो पहले आप बुरे प्रोजेक्ट्स को एक तरफ कर दें, क्योंकि किसी किसी प्रोजेक्ट को करने से इल फेम हाथ में लगता है। ये डिस्प्यूट खड़े हो जाते हैं, तो कम से कम चलो भाई वो वाले मैं नहीं करता। अब बाकी जो बच गए, अगर मैं खाली हूं तो मुझे करने ही चाहिए, डाउजिंग को छोड़ दीजिए, करने ही चाहिए क्योंकि जिंदगी कम है। इसलिए अब बाकी बात आ गई, नहीं मैं सारे नहीं कर सकता हूं, कुछ ही कर सकता हूं, इतने सारे कौन करेगा, टाइम ही नहीं है इतना, तो फिर डाउजिंग डेफिनेटली मदद करेगी। पहला प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट को कंपेयर करने के लिए इंटेंसिटी नापें, पहला क्या मेरे लिए अच्छा है, हाँ अच्छा है, दूसरा क्या मेरे लिए अच्छा है, हाँ अच्छा है, पहला मेरे लिए कितना प्रतिशत अच्छा है, दूसरा मेरे लिए कितना प्रतिशत अच्छा है, तो वो प्रतिशतों के हिसाब से आप आंकलन लगा लेंगे कि कौन सा आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इसके अंदर भी एक और चक्कर है, जो प्रश्न पूछिएगा उत्तर वही मिलेगा, और जो ये मैंने प्रश्न पूछा ये बिल्कुल नर्सरी ग्रेड का प्रश्न था कि क्या ये मेरे लिए अच्छा है। अब ये अच्छा क्या होता है, ये कौन डिफाइन करेगा जी, इसको कैसे डिफिनेशन दी जाए। तो ये पूछिए कि क्या पहला प्रोजेक्ट मेरे मान सम्मान में वृद्धि करेगा, अगर हाँ तो कितनी, दूसरा प्रोजेक्ट मेरे मान सम्मान में वृद्धि करेगा तो हाँ कितनी, पहला प्रोजेक्ट मेरे फाइनेंस में ज्यादा वृद्धि करेगा या दूसरा प्रोजेक्ट मेरे कितने प्रतिशत करेगा, पहले प्रोजेक्ट को बनाने से क्या मुझे और प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं, दूसरे में बनाने से क्या मुझे और प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं। यानी वही बात, जितना हमारे दिमाग का दायरा होगा उतने हम ज्यादा क्वेश्चंस पूछ पाएंगे और उतनी हमारी आंसर्स और हमारे सजेशंस, हमारी एडवाइस किसी भी व्यक्ति को किसी एक टॉपिक के बारे में बेटर हो पाएगी। तो कभी अपने आप को एक क्वेश्चन के आंसर से सीमित ना करें। मेरी एडवाइस ये है कि उसी में सोचें जिस भी चीज को हम कर रहे हैं कि हमें इस चीज के बारे में और कौन सा इसमें डायमेंशन है, इसका और कौन सा दृष्टिकोण है जो हमें पता लगाना चाहिए। ऐसे 5-6-7 क्वेश्चन पूछ के दृष्टिकोण खोल के पता लगाएं, फिर आप एक एजुकेटेड डिसीजन पे पहुंचेंगे कि आपके लिए कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा रहेगा। जी दीपक पदार जी। सर ये कल के रेफरेंस में है, कल जैसे एक सज्जन ने पूछा था मेरे ख्याल से शारदा जी ने कि एलरॉड से अपने कहीं पर नेगेटिविटी देखते हैं, तो आपने बताया कि वहां पर हम तुलसी का पौधा रख देते हैं। हाँ जी सर, जहां तुलसी का पौधा नहीं रखा जा सकता, यहाँ धूप नहीं आ रही है, अच्छा सर्कुलेशन नहीं है, किसी ने मेरे को पहले बताया था वहां पर देशी गाय के गोबर का जो कंडा होता है, देशी गाय के गोबर का कंडा रखने से वहां पर पॉजिटिव ऑरा या पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। सर इसको हीलिंग की दुनिया का प्रश्न था, इसको हीलिंग की दुनिया पे छोड़ दे। बड़े तरीके हैं, हम यहाँ बैठ के भी आपकी वही एलर्जी क्लियरेंस कर सकते हैं, उसके बाद आप नाप के देख लेंगे तो वो ठीक हुआ होगा। 5 मिनट का मेरा खेल है। पॉइंट ये है कि गोबर आप कहाँ लगाएंगे, रेस्टोरों के अंदर गोबर तो लगाएंगे नहीं। आप कंडा, कंडा जो होता है वो रख दिया, उसको कंडे को जो ड्राइड कंडा बनता है उसको वहां पर रख देते हैं, तो उससे बोलते हैं पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। मैं मना नहीं करता आपको, मैं कहता हूँ कि हाँ भाई बात ठीक है। अब आप गोबर रखना चाहेंगे वहां पर तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारे बड़े सारे ऐसे मित्र हैं जो हो सकता है गोबर से बहुत प्रसन्न ना हो वहां रख के, हालांकि वो कहें कि भाई वो तुलसी वाली बात तो ठीक थी जहां तक आप तुलसी कह रहे थे। अब ये गोबर शोबर हमारे को ना ऐसे देखिए, आप यूरिन थेरेपी है, लोग कहते हैं गाय का यूरिन पिया कीजिए, मोरारजी देसाई तो कहते थे अपना ही यूरिन पिया कीजिए,
अब ये कुछ ऐसी बातें हैं जो एक व्यक्ति को सूट कर भी सकती हैं और दूसरा व्यक्ति इसके खिलाफ भी हो सकता है कि यार मुझे नहीं पसंद होता होगा इससे ठीक, पर मुझे ये वाला तरीका नहीं पसंद, पसंद नहीं है ना। तो इसलिए ये थोड़ा सब्जेक्टिव भी हो जाएगा कि हम कौन सी चीज को लगा के उस नेगेटिविटी को हटाते हैं। लेकिन क्योंकि किसी सज्जन ने ये प्रश्न पूछा था तो मेरा ये बताना था कि चलो भाई एक दो ये तरीके होते हैं जो थोड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, जो जिन तरीकों से एक लेमैन कोशिश कर सकता है कि वहां पे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उस एरिया की प्रॉब्लम को ठीक करे, और जब वो ठीक हो रही है कि नहीं हो रही उसको नापने का तरीका भी अब आपके पास है। तो मेरा अपना बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गोबर के कंडे के साथ नहीं रहा, मैं आपको इसके बारे में इससे ज्यादा बयान नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक, ओके जी, ओके। तो आज हमने चर्चा करी रिलेशनशिप डायग्राम, कल हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत अहम मुद्दे। ये एको कर रही है ऋचा अग्रवाल जी, मैं आपको बार बार म्यूट कर देता हूँ इसलिए क्योंकि आपकी माइक से फिर आप अनम्यूट करती हैं। तो ओके, तो कल हम चर्चा करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे, यानी कि हेल्थ डाउजिंग पर, कैसे पता लगाएं और क्या क्या पता लगाएं अपनी हेल्थ के बारे में डाउजिंग की मदद से, पेंडुलम की मदद से। तो कल का सेशन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे इंतजार है कल के सेशन का, आप जरूर आए, जरूर जुड़े, बहुत कुछ कल के सेशन में सीखने को मिलेगा। आज आप मेरे साथ जुड़े रहे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।